हाँ जी स्टूडेंट्स, अज मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी प्लस टू क्लास के जनरल पंजाबी दे फोर्थ मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन आंसर, जो कि तुहाडे लई बहुत इंपोर्टेंट ते हैल्पफुल होणगे। जिहड़े तुहाडा 13 दसंबर नूं एग्जाम होना प्लस टू क्लास का, उस दे लई इह उसकी प्रैपरेशन करनी है तुसीं इस वीडियोज़ नूं देख के। फस्ट है अपने कोल पैराग्राफ नूं रीड करना, तो उस विचों पढ़ के एक तो पांच तक के जिहड़े प्रश्न ने उन्होंने उत्तर देने ने। एक पैरा दिता अपन, उस विचों पढ़ के ही अपने आंसर देने ने। सो फस्ट क्वेश्चन है अपना, केड़ी रसम तो बिना ब्याह संपूर्ण नहीं समझा जाता। इन्हां फोर ऑप्शनस चों तुसीं पैरे आ देखो, पहली ही लाइन अपने कोल, ब्याह विच फेरां दी रसम सब तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तो बिना ब्याह संपूर्ण नहीं समझा जाता। तो इतने फिर अपना राइट आंसर की है, फेरियां तो, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर, फेरियां तो बिना जिहड़ा ब्याह है संपूर्ण नहीं समझा जाता। सैकेंड है अपना क्वेश्चन, आनंद कार्ज की रीत का प्रचार किसने किया। तो यह आंसर अपने को इत्थे देखते हैं, आप पैराग्राफ कितने आ, इत्थे है अपने को सिंह सभा लहर ने किया सी, आसी सिंह सभा लहर। तो इत्थे अपना राइट आंसर की आएगा, सिंह सभा लहर ने। आनंद कार्ज की रीत किसने शुरू की सी, किसने उसका प्रचार किया सी, सिंह सभा लहर ने। नैक्सट अपना क्वेश्चन, आनंद कार्ज की रस्म लावां किस दे दुआले आले दुआले लईआं जांदियां ने, किस दे आले दुआले जिहड़ा लावां लईआं जांदियां ने। आ देखो आसी अपने सौ जिहड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे आले दुआले लावां, तां कि आंसर की है अपने कोल, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। तो इस विच अपना राइट आंसर बी ऑप्शन है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे दुआले। नैक्सट अपना क्वेश्चन, सुहाग जोड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दुआले किन्ने फेरे लैंदी है, किन्ने फेरे लैंदी है। देखो इत्थे अपने कोल वैसे इत्थों ही अपन पता चल जाएगा कि चारे लावां पढ़ के मतलब चार ही लैंदे होणगे लावां भी, ठीक है। आ देखो कीर्तन समय चार फेरे, एग्जैक्ट आंसर भी अपन मिल गया। तो इत्थे अपना राइट आंसर की है, चार लावां जिहड़ियां उह लैंदे ने। नैक्सट है अपना क्वेश्चन, फेरिया समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो किस बाणी का पाठ किया जाता है। तो इस विच अपना राइट आंसर मैं तुम डायरेक्ट दस्या, लावां। तुसी पैराग्राफ नूं रीड करके आंसर फाइंड करने ने, इत्थे तुहाडा आंसर है बी ऑप्शन, लावां। नैक्सट है अपने कोल क्वेश्चन, खाली थां विच भरन लई ढुकवां शब्द चुनो। इन्हां विचों किहड़े ऑप्शन इस फिलअप विच भरी जाएगी, फिलअप है अपनी, खेडना मनुख की डैश प्रवृत्ति है। खेडना जो है मनुख की कौन सी प्रवृत्ति है, मूल मूल मुद्द तो ही है ना। तो इसका खेडना मनुख की मूल प्रवृत्ति है। सैवंथ क्वेश्चन है अपना, पंजाब के मेले ते त्यौहार लिए किस दी रचना है। किन्हां ने जिहड़ा अपना पंजाब के मेले तो त्यौहार है जिहड़ा अपना पाठ पुस्तक विच यह चैप्टर है, किन्हां ने लिखा, डॉक्टर SS बंजारा बेदी। पंजाब के मेले के त्यौहार किस द्वारा लिखा गया, डॉक्टर SS बंजारा बेदी द्वारा। नैक्सट अपना क्वेश्चन, सुखदेव माधपुरी का लिखा लेख केड़ा है, केड़ा चैप्टर है जिहड़ा सुखदेव माधपुरी ने लिखा, पंजाब दियां लोक खेडां। बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन अपन मॉडल टेस्ट पेपर से, तो इसका अपना कोल राइट आंसर की है, पंजाब दियां लोक खेडां जिहड़ा लेख है सुखदेव माधपुरी द्वारा लिखा गया। भाग एड़ा स्टार्ट अपना नवें क्वेश्चन तो, इस विच की है, पंजाबी भाषा लिखण का हुनर। कार बिहार के पत्र से संखेप रचना के बेस से तुहानू क्वेश्चन पूछे गए ने, तो आंसर करने ने। नाइन्थ क्वेश्चन अपना, कार बिहार के पत्र विच मिति किथे लिखी जाती है, किस साइड है जां किस उपर नीचे खब्बे सज्जे किथे है जिहड़ी मिति लिखदे आपां। तो इस विच अपना राइट आंसर की है, इस दे लई पहला तुहानू पता होना चाहिए कि पत्र किस तरह लिखा जाता, ये तो ओबियसली सारयां नूं आंदा ही होगा, आपां करते आ रहे हैं शुरू तो ही कि पत्र किवें लिखे जाने। तो इस विच मिति का आंसर है अपना सज्जे पासे पते हेठ, मिति है जिहड़ी आपां किथे लिखदे आ, सज्जे पासे पते हेठ, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर। टेंथ क्वेश्चन अपना, तुहाडा कारोबार शेयर बाजार नाल जुड़िया होया है अते कारोबार लई तुहानू रोजाना मोबाइल की वरतों करनी पै रही है, पर तुसी भारत संचार निगम लिमिटेड की नैटवर्क सेवा करके दिक्कत महसूस कर रहे हो। इस संबंधी जदों तुसी अपने इलाके दे संबंधित अधिकारी नूं पत्र लिखोगे तां चिट्ठी विच अपने दस्तखत करन तों पहलां अपने बारे की शब्द लिखोगे, इन्हां विचों की है जिहड़ा आपां लिखांगे। इस विच अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन, आपदा विश्वास पात्र, आप जी का विश्वास पात्र आपां लिखदे हुंदे आ।
ठीक है। ये तो अपना दस्तखत करन तो पहला अपना लिखांगे आपका विश्वास पत्र। नैक्सट अपना तुसी अपने कैफे लिए किसी कंपनी का कंप्यूटर संगम कंप्यूटर साहिबजादा अजीत सिंह नगर तो खरीदया सी। कंप्यूटर चाहिए खराबियां बारे उक्त फर्म नू पत्र लिख दें। तुसी उस फर्म का पता कित्थे लिखोगे, कित्थे जिहड़ा फर्म का पता लिखा जाएगा। इस विच अपना राइट आंसर है विचकार, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर है विचकार है जिहड़ा आपां एड्रैस है उहदा लिखांगे। नैक्सट है अपने कोल हेठ लिखे पैरे नू पढ़ के प्रश्न नंबर 12 ते 13 दे उत्तर दो। एक अपन संखेप रचने की तरह जिहड़े पहला अपना संखेप रचना टाइटल देना हुंदा सी तां उसनू छोटा करके लिखना हुंदा सी, हुण उसकी जगह ते इस विचों ही अपने क्वेश्चन करने ने। क्वेश्चन है अपना उपरोक्त पैरे दा ढुकवां सिरलेख लिखो। इस पैरे नू पढ़ के किहड़ा तुहानूं टाइटल है जिहड़ा इसका संखेप भी ढुकवां सिरलेख लगता। इस विच अपना राइट आंसर है फस्ट लाइन ची है जिहड़ा अपना टाइटल हुंदा है। फस्ट लाइन नू पढ़ के अपन नूं पता चल जाना हुंदा कि इस पैरे का जिहड़ा सिरलेख है की होवेगा। तो इस विच अपना राइट आंसर है डर, ए ऑप्शन डर है जिहड़ा इसका सिरलेख होगा। ठीक है, मूव टू नैक्सट क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन है अपना उपरोक्त 17 पैरे का संखेप भाव की है, कि उपरोक्त 17 का मीनिंग की निकल रहा अपने कोल। इस विच अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन हर एक डर का कारण आने वाली तंगी तो उपजन वाला मरण पै है। की है हर एक डर का कारण आने वाली तंगी तो उपजन वाला मरण पै डर है, मरण पै है। ये जिहड़ा उपर लिख दिता अपन सिरलेख है उसका ही मीनिंग निकल रहा भाव। नैक्सट है 40th क्वेश्चन अपना हेठ लिखे शब्दों को पढ़ो तो दसो कि शब्दकोश अनुसार किहड़ी तरतीब सही है। शब्दकोश तरतीब जे तुहाने कीती होगी तां तुहानू पता लगेगा कि इसनूं किस तरह शब्दकोश नूं तुसीं तरतीब च लिख सकदे हो। प्लेलिस्ट चों तुसीं चैक कर सकदे हो शब्दकोश दी जिहड़ी वीडियो अपलोड कीती हुई है असीं पहलां ही, उस विच एक्सप्लेन किया गया कि किदां शब्दकोश तरतीब नूं सॉल्व करीदा हुंदा। तां इस विच मैं तुहानूं डायरैक्ट आंसर दस दिंदी हां। इस विच तुहाडा टुट भज टोटा चन्नन चानन गिरज छलका जुल्फ, इस विच तुहाडा राइट आंसर है डी ऑप्शन ए आएगा। इस तरह शब्दकोश तरतीब गिरज चन्नन चानन छलका जुल्फ टुट भज टोटा। नैक्सट है 15 हेठ लिखे शब्दों को पढ़ो तो दसो कि शब्दकोश अनुसार किहड़ी तरतीब शुद्ध है। तानाशाही तलवार बाईसाइकल पाचन तत्करा मुकर्रर खानदान, इन्हां विच अपना राइट आंसर की है ए ऑप्शन खानदान तत्करा तलवार तानाशाही पाचन बाईसाइकल मुकर्रर। इस तरतीब च जिहड़ा शब्दकोश तरतीब अनुसार इस तरह ये शब्द आएंगे। नैक्सट है अपना हेठ लिखे वाक की किस्म लिखो चुनो। हुण आपां ने दसना कि यह सधारण वाक है संयुक्त है जां मिश्रण मिश्रित। तां वाक है अपने कोल समझदार बच्चे मापिया का कहा मानते हैं, ये कि अपने कोल सिर्फ ये ना कोई उपवाक है ना ही कोई संयोजक है, तो यह अपना की सधारण वाक है। ठीक है, ये ऑप्शन अपने कोल सधारण वाक समझदार बच्चे मापिया का कहा मानते हैं। नैक्सट अपना हेठ लिखे वाक की किस्म दसो। भावें तुसी दौलतमंद हो तां वी तुसी सुखी नहीं। हुण इत्थे की है अपन पता है कि किहड़े ये तुहानूं वाकां दी किस्मां दे करन लई वी तुहानूं पता होना चाहिए कि वाक की हुंदे ने, इस दीआं किस्मां दी जिहड़े वंड है किस बेस ते है, ये भी तुसी प्लेलिस्ट चों चैक कर सकदे हो। वाक वटांदरा दी वीडियो भी अलग तो कीती गई है तैयार, वो देख सकदे तुहानूं। इस तां ही पता लगेगा कि किहड़ा वाक सधारण हुंदा है, किहड़ा संयुक्त ते किहड़ा मिश्रित। इस विच तुहाडा राइट आंसर है संयुक्त वाक भावें तुसी दौलतमंद हो तां वी तुसी सुखी नहीं। नैक्सट है अपना मिश्रित वाक विच बदलो। विपता विच धीरज रखो, इसनों आपां मिश्रित च कन्वर्ट करना। तो इस विच आपां की राइट आंसर अपने कोल जदों विपता पवे तां धीरज रखो, इसनों आपां इक उपवाक नाल जोड़ता, इस जदों विपता पवे तद धीरज रखो, मिश्रित च चेंज कर देना। नैक्सट है अपना हेठ लिखी अधूरी अखाण नूं पूरी करो। खरबूजे नूं वेख के डैश, ये तो बहुत ही कॉमन अखौत है जिहड़ी वरतदे आ पिंडां च। इसनों की है खरबूजे नूं वेख के खरबूजा रंग फटदा है, तो ये ऑप्शन अपना राइट आंसर है खरबूजे नूं वेख के खरबूजा रंग फटदा। इस तरह भी कह दिंदे ने खरबूजे नूं देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो इत्थे की है खरबूजे नूं वेख के खरबूजा रंग फटदा है। नैक्सट है अपना क्वेश्चन 20th हेठ लिखी अधूरी अखाण नूं पूरी करो। अशरफियां दी लुट्ट, अशरफियां दी लुट्ट कोलियां ते मोहरां,
कि जिहड़ी चंगी चीज़ आ उहदी तां कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जिहड़ी घटिया है उसकी वैल्यू ज़्यादा होवे तां इस उदों ही अखाण वरती जांदी आ। अशरफियां दी लुट कोलियां ते मोहरां। नैक्सट स्टैप ना हेठ लिखी अधूरी अखाण नूं पूरी करो, अगे सप्प ते पिछे छीं। ये भी बहुत कॉमन है है अखाण तो, अगे सप्प ते पिछे छीं। नैक्सट 22 क्वेश्चन है अपना, जदों किसी नूं पुरानियां गल्लां करन तों वर्जना होवे तां किहड़ी अखाण वरती जांदी है। तां इत्थे अपना राइट आंसर है खिद्दों फरोल फोलियां लीरां ही निकलदियां हन। कि अपना राइट आंसर बी ऑप्शन खिद्दों फोलियां लीरां ही निकलदियां हन, कि जदों पुरानियां गल्लां याद करदे आं तां उस विच्चों कुछ ना कुछ निकल ही जांदा। पुरानी गल्लां करन तों वर्जना होवे तां ही वरती जांदी अखाण खिद्दों फोलियां लीरां ही निकलदियां हन। नैक्सट स्टैप ना सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, अखाण की वरतों की जाती है। कदों है जी अखाण वरती जाती है? जदों किसी ने दसया जाए कि जो सच्चे राह पर आप चलते हैं तो उदों अपन जग तो महानता ही मिलती है, कि लोग सारे उस्तत ही करते हैं अपनी तारीफ ही करते हैं। तो इस विच अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन सच्चाई के राह उत्ते चलन की महानता दसन लई, कि हाँ जो सच्चाई के राह पर चलते हैं तो सारे अपनी तारीफ ही करते हैं, तो उदों कहा जाता सच्चे मार्ग चलद उस्तत करे जहान। नैक्सट अपना जदों किसी के माड़े दिन आए हो बेसमझी भरिया गल्लां करन लगे तो किहड़ी अखाण वरती जाती है? तो इस लिए अपनी करैक्ट अखाण किहड़ी है? बिल्कुल सही ढुकवीं, जदों गिद्दड़ की मौत आती है तो वह शहर वाल भजदा है। बी ऑप्शन है अपना राइट आंसर जदों गिद्दड़ की मौत आती है तो वह शहर वाल भजदा है। नैक्सट भाग ईडी स्टार्ट हो गया अपना भाग साहित कवितावां। ये जिहड़े क्वेश्चन ने तुहानूं कवितावां दे बेस ते जो बुक च कवितावां दित्तियां गईयां ने उस दे नाल रिलेटड ने। 25th क्वेश्चन अपना ताजमहल कविता दा लेखक कौन है? किन्ने जिहड़ी ताजमहल कविता लिखी है? प्रोफेसर मोहन सिंह। तो प्रोफेसर मोहन सिंह अपने कोल बी ऑप्शन ते प्रोफेसर मोहन सिंह ने जिहड़ी ताजमहल कविता लिखी सी। नैक्सट अपना तुहाडी पाठ पुस्तक विच नंद लाल नूरपुरी दी किहड़ी कविता शामिल है? इसका अपने को राइट आंसर है चुम चुम रखो, नंद लाल नूरपुरी ने लिखी सी चुम चुम रखो कविता। तो इस अपने को डी ऑप्शन है राइट आंसर चुम चुम रखो कविता जी नंद लाल नूरपुरी की लिखी हुई है। नैक्सट है खड़े पानी नाल की वापरदा है? जो पानी खड़ जाता है तो उस नाल की होंदा बुस जाता है, अपन कविता विच दस्या गया है वगदे पानी कविता उस विचों है क्वेश्चन खड़े पानी नाल की वापरदा है? पानी है जिहड़ा बुस जाता है। वो मूव टू नैक्सट क्वेश्चन इज कादी शाइबर लगी हुई सी, तो इस दे विच अपना राइट आंसर की है खुशियां दी, कादी शाइबर लगी हुई सी खुशियां दी शाइबर लगी हुई सी। नैक्सट है कवि नूं किसदा हुसन छलावा लगता है? किसदा हुसन सी जिहड़ा कवि नूं छलावा लगता सी? ताजमहल दा। तो इत्थे अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन कवि नूं ताजमहल दा हुसन छलावा लगता है। नैक्सट क्वेश्चन इज पुराने पंजाब नूं आवाज़ां विच भरपूर चित्रण होया है? पुराने आवाज़ पंजाब नूं आवाज़ां कविता जिहड़ी उस विच किसदा भरपूर चित्रण होया? पंजाबी सभ्याचार दा। आ देखो पंजाब तो ओबियसली अभी पंजाब की गल हो रही है, पुराने पंजाब की, तो किसदा हो पंजाबी सभ्याचार, पुराने पंजाब नूं आवाज़ां कविता विच पंजाबी सभ्याचार दा भरपूर चित्रण होया। 31 क्वेश्चन इज कोले कोले हत्थां विच किहो जिहियां किरपानां फड़ियां होईयां सन? किहो जिहियां किरपानां सी जिहड़ियां फड़ियां होईयां सी? गोरियां ते चमकदियां। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर गोरियां ते चमकदियां किरपानां फड़ियां होईयां सन। भाग सस्सा स्टार्ट है अपना पंजाबी साहित कहानियां, जिहड़ियां तुहाडे लास्ट पार्ट दीयां कहानियां ने उस दे नाल रिलेटड क्वेश्चन ने। 32 क्वेश्चन है अपना करतार सिंह दुग्गल की लिखी हुई कहानी केड़ी है? इन्हां विचों केड़ी कहानी है जिहड़ी करतार सिंह दुग्गल ने लिखी सी? नीली। तो इत्थे अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन नीली कहानी है जिहड़ी करतार सिंह दुग्गल की लिखी हुई है। नैक्सट है अपना सांझ कहानी दीयां घटनावां किहड़े महीने विच वापरदियां हन? किहड़ा महीना चलदा सी उदों? जेठ विच। तो राइट आंसर है अपना सी ऑप्शन जेठ विच है जिहड़ियां सांझ कहानी दीयां घटनावां ने उह वापरदियां सी। नैक्सट क्वेश्चन अपना कहानीकार ने अंग्रेजी विच साइकल ते पहाड़ी तों थले उतरदे कदों पढ़ी सी? कदों उसने साइकल ते पहाड़ी तों थले उतरदे रीड कीती सी कहानी? तो इस दे विच अपना राइट आंसर बचपन विच सी ऑप्शन है, बचपन विच जदों बचपन च सी अपने बचपन विच उसने ये पढ़ी सी। 35th क्वेश्चन है कहानीकार मैं पात्र दा चरित्र किहो जिहा है? किहो जिहा चरित्र है उसका? चंगा दुद्ध प्राप्त करन दा चाहवान, पत्नी उत्ते मान करन वाला।
तो इतने अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन। चंगा दुध प्राप्त करने का चाहवान सी भी तो वह अपनी पत्नी उत्ते माण भी करता सी। नैक्सट 36 क्वेश्चन है अपना, कहानीकार की त्रीमत ग्वाले नूं किस लिए दुध छड्डन लई कहिंदी है। साइंस दे विच अपने कोल 4 ऑप्शनस ने, किस दे लई ओह दुध छड्डन नूं कहिंदी है, ग्वाले नूं कि दुध छड्डिया कर उस दे लई, बच्ची लई। साइंस दे विच अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, जो नीली दी बच्ची सी उस लई ओह दुध छड्डन लई कहिंदी सी। नैक्सट अपना क्वेश्चन, नीली किस दे मरन करके दुखी ते उदास सी। नीली दी बच्ची दे तो राइट आंसर है अपना ए ऑप्शन, जो नीली दी बच्ची मर जाती है तो वह दुखी ते उदास हो जाती है, ये अपना बच्ची है राइट आंसर। 38 क्वेश्चन अपना, हरिंदर ते गुरिंदर दे बाप का नाँ की सी। अपना देश कहानी विचों है क्वेश्चन, तो इस दे विच अपना राइट आंसर है निरंजन सिंह सी ऑप्शन। हरिंदर ते गुरिंदर दे पिता का नाम की सी, निरंजन सिंह सी, जिहड़े वो अपना देश कहानी विच विदेशों आए सी, वो वाली स्टोरी है अपनी। 39 क्वेश्चन इस, विदेशों विच रहिंदे भारतीयों की अपनी संतान दी किस चीज़ तो दूर रहन की चिंता रहिंदी है। किस चीज़ तो ने जिहड़े भारतीय टेंशन ले चिंता करते हैं कि उन्हां दी संतान किस चीज़ तो दूर है, अपनी बोली ते सभ्याचार तो। इत्थे अपना राइट आंसर डी ऑप्शन, अपनी बोली ते सभ्याचार तो वो दूर ने, इस गल दी वो चिंता करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज, इन्हां दा देश यह है भी नहीं, इन्हां दा देश कनेडा है, मेज़बान ने शब्द क्यों कहे सी ये शब्द कि इन्हां दा देश तां कैनेडा है ते इन्हां दा देश ये है भी नहीं। तां इस दे विच अपना राइट आंसर है क्योंकि वह बच्चे मुढ़ले बचपन तो कैनेडा विच पले सन, क्योंकि शुरू तो ही अपना देखते हैं कि स्टोरी पढ़ी अपने अपना देश कहानी, जिहड़े वो हरिंदर ते गुरिंदर ने बचपन तो ही अपने मुढ़ले बचपन तो ही कैनेडा विच रहिंदे सी, तां करके मेजबान ने यह शब्द कहे सी कि इन्हां दा देश कैनेडा है। यह अपना डी ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि वह बच्चे मुढ़ले बचपन तो ही कैनेडा विच पले सन। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो।